हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्वेश्चन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर शेयर बाजार में आपको नुकसान हो गया है या आपको हो रहा है तो उस लॉस की रिकवरी कैसे की जाए। मेरे कुछ व्यूअर ने मुझे मेल करके मुझसे पूछा था कि हमें शेयर बाजार में इतना नुकसान हो गया या ट्रेडिंग हम करते हैं, ट्रेडिंग में इतना नुकसान हो गया तो हमारे लॉस की रिकवरी कैसे होगी, हमारी लॉस की रिकवरी करवा दीजिए आप। तो आपने कई बार अपने आसपास सुना होगा और कई इन्वेस्टर को देखा भी होगा कि किसी इन्वेस्टर का इतने लाख का नुकसान हो गया, किसी इन्वेस्टर की गाड़ी चली गई। तो आज मैं आपको वो कारण बताऊंगा किन कारणों की वजह से शेयर बाजार में नुकसान होता है और उसकी रिकवरी कैसे की जाए। तो आज मैं आपको सिंपल से रूल बताऊंगा, सिंपल से कुछ तरीके बताऊंगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी लॉस की रिकवरी गारंटी हो जाएगी। और जो इन्वेस्टर आज की डेट में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो भी उस रूल को फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में उनको भी काफी मदद मिलेगी। तो लॉस की रिकवरी करने के लिए अगर आपको शेयर बाजार में नुकसान हो गया या ट्रेडिंग करते नुकसान हो गया तो उसके लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा और उन पैरामीटर्स पे काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से चलना पड़ता है। तो अगर आप लॉस की रिकवरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको जिस चीज़ की आपको रिकवरी करनी होगी वो होगा आपका कॉन्फिडेंस। यहाँ पे पैसा तो जाता है, साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी मिट्टी में मिल जाता है। यहाँ पे डर इतना हावी हो जाता है अगर आपको कभी नुकसान हो गया। प्रॉफिट जनरेट करना तो मेरे हिसाब से उस इन्वेस्टर के लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। वो तो ये सोचता है कि जो मेरा पुराना लॉस हुआ वही कवर हो जाए, मामला बराबर हो जाए, वही बड़ी बात है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना होगा। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया हैं, या तो आपको नुकसान हुआ शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके। दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं जो स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, वो सोचते हैं कि बढ़ जाएगा तो बेचूंगा, या लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग बना के रखते हैं। तो दूसरे इन्वेस्टर होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको ट्रेडिंग में नुकसान होता है। तो ये दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इन दोनों पे आपको वर्क करना होगा डिफरेंट तरीके से। इन दोनों के अलग अलग रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। अगर रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ आपको, शेयर बाजार से आपका पुराना जो लॉस था वो भी रिकवर होगा और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। सबसे पहला कारण, जब एक इन्वेस्टर को थोड़ा सा प्रॉफिट होने लगता है तो उसके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, वो सोचता है कि मैं ज्योतिष बन चुका हूँ, मुझे सब कुछ आता है शेयर बाजार के बारे में। तो वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड के विपरीत काम करने लगता है। अगर वो एक इन्वेस्टर है तब भी, और वो ट्रेडर है तो तब भी, ट्रेडर के लिए तो खास तौर से, वो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट वर्क करने लगता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो हम जो है मार्केट के फॉलोअर्स हैं। मार्केट जैसा कहेगी हमें वैसा वैसा मानना पड़ेगा। मार्केट जो है सबसे बड़ा हीरो है, सबसे बड़ा भगवान है, जो वो कहेगा हमें उसको फॉलो करना है। अगर हम उसकी बात को नहीं मानेंगे तो हमारी यहाँ पे पिटाई होगी, हमारा फाइनेंशियल नुकसान होगा। तो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कीजिए, जिस स्टॉक में जैसा ट्रेंड है वैसा ही काम कीजिए। अगर तेजी का ट्रेंड है तो तेजी कीजिए, मंदी का ट्रेंड है तो मंदी कीजिए, इंटरडे हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो। अब इंटरडे में कई इन्वेस्टर जो है मार्केट का ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं चलो बहुत बढ़ गया अब तो यहाँ से नीचे ही आएगा, या बहुत ज़्यादा गिर गया अब यहाँ से ऊपर जाएगा। दोस्तों, ना किसी स्टॉक की ना ऊपर जाने की कोई लिमिट है, ना कोई नीचे जाने की उसकी लिमिट है, आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए सिर्फ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से काम कीजिए, उसके अगेंस्ट मत काम कीजिए। अगर आप उसके अगेंस्ट काम करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक जो पतंग होती है, जिस साइड की हवा होगी पतंग उसी साइड ही उड़ेगी। आप दूसरी साइड उड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके कंधे तुनका मारते मारते आपके कंधे में दर्द हो जाएगा, पतंग तो आपकी उड़ेगी नहीं, आप भी परेशान होकर थक के बैठ जाओगे। तो समझदारी इसी में है, जिस तरफ को मार्केट का ट्रेंड है उसी तरफ अपना ट्रेड लें, चाहे इंटरडे हो चाहे एक इन्वेस्टमेंट हो। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण, मार्जिन मनी का गलत इस्तेमाल करना। फ्यूचर मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो या NSE फ्यूचर और कमोडिटी मार्केट में, MCX में, अगर आपकी जेब में 10 रुपये है तो आप 100 रुपये की ट्रेडिंग कर सकते हो। तो लोगों को यहाँ पे जल्दी जल्दी पैसा कमाने का एक आसान तरीका नज़र आता है और यही है सबसे बड़ी नुकसान की वजह। तो मेरे हिसाब से इंटरडे में अगर आप 100 रुपये का माल उठाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में 55 से 60 रुपये तो होने ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप मार्जिन मनी का गलत इस्तेमाल करते हो तो मेरे हिसाब से आप निश्चित रूप से एक बड़े नुकसान को दावत दे रहे हो। तो उसके साथ अगर आप मार्जिन मनी का यूज़ करना ही चाहते हो तो आप हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड ना डालें। वो स्टॉप लॉस जो डलता है वो स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से, स्टॉक की वॉलेटिलिटी के हिसाब से डलता है। जब आप स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप खिलाड़ी बन जाएंगे शेयर बाजार के। उसके बाद आप मार्जिन मनी का जितना मर्जी यूज़ कीजिए, इनिशियल स्टेज में मार्जिन मनी का यूज़ मत कीजिए, कम से कम कीजिए।
मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, ये इन्वेस्टर को मालूम है। इन्वेस्टर जो है अपनी पोजीशन को किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं। अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन हो और आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा पता होना चाहिए। इंट्राडे में भी और इन्वेस्टमेंट में भी आपको एक स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और वो आपके सिस्टम पे लगा होना चाहिए। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो मेरे हिसाब से आप 100 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, वो भी बिना हेलमेट के। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा थोड़ा पैसा करके, छोटे छोटे प्रॉफिट करके पैसा जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। वहीं इंट्राडे में क्या होता है कि एक कोई बड़ा ट्रेड हमसे गलत लग जाता है और सारा पैसा, सारी हमारी मेहनत जो है मिट्टी में मिल जाती है। अब उस चीज़ से बचने का यही तरीका है कि आप मार्जिन मनी का गलत इस्तेमाल ना करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। तो मैंने जनरली काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के अकाउंट को देखा है, उसमें मैंने पाया कि उनके 95% ट्रेड ठीक होते हैं। वो छोटे छोटे ट्रेड होते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके उन्होंने उस पैसे को इकट्ठा किया होता है, अपनी वेल्थ को बिल्डअप किया होता है। लेकिन दो एक जो बड़े ट्रेड वो ले लेते हैं गलत मार्जिन मनी का यूज़ करके और स्टॉप लॉस ना लेके, उसी से उनका पैसा सारा डूब जाता है शेयर बाजार में, उनका अकाउंट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा मकसद रेगुलर प्रॉफिट में रहना है। चाहे हम प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करते जाएं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाएं, एक गुल्लक भी होती है उसमें जब हम पैसा डालते हैं तो धीरे धीरे करके भरती है, एक दिन के अंदर नहीं भरती है। अब कोई सोचे कि मैं एक ही दिन के अंदर 10 दिन का खाना एक साथ खा लूं तो आपका पेट दर्द हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा आपका। और वही आप तरीके से थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपके शरीर को भी लगेगा, उससे आपके बॉडी का बैलेंस भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मुझे जिन इन्वेस्टर ने मेल किया था, दो इन्वेस्टर ने मेल किया था, एक ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने भी और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी। तो जिन्होंने मुझे मेल किया था, जो ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा है, आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलें, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लें मार्केट से, उसके बाद नई स्ट्रेटेजी बनाएं, एक होमवर्क करें अपना, उसके बाद नई एनर्जी के साथ वापस आएं, आपको गारंटी प्रॉफिट होगा। और छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड डालिए और छोटे छोटे प्रॉफिट में बाहर आने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप मार्केट में प्रॉफिट करने लगेंगे। तो जिन जिन इन्वेस्टर को इंट्राडे में नुकसान हो रहा है, तो एक तरीका और वो ये भी है कि आप इंट्राडे को छोड़ के आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, या फिर F&O में विद हेजिंग काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर के पास काफ़ी सारे ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं है कि अगर इंट्राडे में आपको नुकसान हुआ तो सारा लॉस आपको इंट्राडे से ही कवर करना है, आप दूसरे ऑप्शन से भी क्लियर कर सकते हैं इसको। तो जो इन्वेस्टर इंट्राडे में सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पा रहे, तो जरूरी ऐसा नहीं है कि दुश्मनी निकालनी है, हम दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। मेन मकसद हमारा ये है प्रॉफिट कमाना, ना कि किसी चीज़ से अपना अपनी खुंदक उतारना, अपना गुस्सा उतारना। उसके बाद जो इन्वेस्टर है उसको मैं यही कहूँगा कि वो क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करे, ऐरे गहरे नस्तु खैरे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करे, उनको ना देखे। जिनके अंदर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अच्छी है, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, उन्हीं में निवेश करे और उनमें सही मौके पे इन्वेस्ट करे। देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हर हमेशा अच्छा मौका मिलता है, लेकिन हर इन्वेस्टर के साथ यही गलती होती है, ये मेरे साथ भी होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कोई अच्छा स्टॉक हमें पहले पता नहीं होता, जब पता चल जाता है तो हम फटाफट उसको बाय कर लेते हैं ऊँचे के रेट पे, अग्रेसिव होके लमसम बाइंग कर लेते हैं। फिर जब वो नीचे आता है तो हमारे पास पैसा नहीं बचता और हमारे पास हिम्मत नहीं होती उसको दोबारा लेने की। तो एक सही मौके का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेडिंग करना एक शिकार करने के बराबर है। शेर भी होता है, वो शिकार करता है तो वो मौके की तलाश करता है, मौका देख के झपट्टा मारता है। उसी तरीके से एक क्रिकेटर को देख लीजिए, क्रिकेटर हर बॉल पर छक्का नहीं लगाता, एक अच्छी बॉल का वेट करता है और जैसे ही वो बॉल आती है घुमा कर उसको मारता है बाउंड्री के बाहर छक्का। तो शेयर बाजार में भी इसी तरीके से मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर को निवेश करना चाहिए। आप शेयर बाजार में अगर एक इन्वेस्टमेंट का आपका मौका चला गया, क्वालिटी बिजनेस में अच्छी डिप आई आप नहीं ले पाए, तो कोई बात नहीं, आगे और बहुत सारी डिप्स आएंगी, तो उन डिप में आप बाय करेंगे तो फिर भी आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ आपकी कैपिटल चली गई तो आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, हर चीज़ चली जाएगी। तो आपके पास जो पैसा आया है, जो अभी आपने इन्वेस्टमेंट करके कमाया है, या आपका कुछ पैसा अलग से पड़ा हुआ है, तो उसको रखिए अपने पास, जब मौका आएगा तब आप इन्वेस्ट कीजिएगा। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर ने मुझे मेल करके स्पेशली थैंक यू भी बोला था कि हमने आपकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके 50,000 कमाए, किसी ने बोला हमने 30,000 कमाए। तो उनको मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ, अब प्रॉफिट आ गया आपके पास, अब ज़्यादा और कॉन्फिडेंस मत हो जाइए, सही मौके की तलाश कीजिए, एक अच्छे मौके का इंतज़ार कीजिए, साइड पे बैठे रहिए शांति से, सारे खेल को देखते रहिए। जैसे थर्ड एम्पायर होता है ना, साइड पे बैठ के सारा खेल को देखता है और जज करता है, आप भी थर्ड एम्पायर की तरह साइड पे बैठे रहिए, देखते रहिए सारे खेल को, खेल से आउट मत हुई, बैठे रहिए उस इन्वेस्टमेंट, उस पैसे को रखिए, जैसे मौका आएगा अच्छे क्वालिटी बिजनेस में निवेश करना, आपको गारंटी रिटर्न मिलेगा और पुराना लॉसेस जिन इन्वेस्टर का है वो भी धीरे धीरे करके कवर हो जाएगा।